भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उस भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए एक ऐसी शख्सियत को बुलाया जा रहा है कि जिसमें लोग भूल जाएंगे कि ये इनका 10 साल का रिकॉर्ड क्या है, क्या कुछ इन्होंने किया है। कि एक हमारे जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं, वो हमारे देश के सारे वर्ल्ड में ऐसा ईमानदार प्रधानमंत्री नहीं हो। और हमारी मेन रिक्वेस्ट अपील उन्हीं को कर रहे हैं, आज आगे भी की जा चुकी है, कि हमारे कुछ इसमें फैक्ट्स लिखे हैं जिसमें सारा कुछ लिखा है, और हमारी अपील उनको यही होगी कि वो इस उद्घाटन के समारोह से दूर ही रहें और इस गंदी पॉलिटिक्स में ना आए, जो कि उनका एक करैक्टर है वो वैसा ही रहे, और ऐसे भ्रष्टाचार लोगों के साथ मिलकर कोई ऐसा काम ना करे कि लोग उनके ऊपर भी किंतु परंतु करें। सबसे मेन बात है कि ये जो पार्किंग बनाई जा रही है, इसका काफी समय से टाइम टाइम से बातचीत चल रही है और सारी सिख संगत इसके विरोध में है। ये एक सीसगंज का मैगजीन है, दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का है, मेरे पास अप्रैल 2010 का है। इसके लास्ट पेज के ऊपर इन्होंने ये 2 साल से पार्किंग के लिए कर रहे हैं, भी पार्किंग किसी तरीके से बननी चाहिए, पर संगत के अलावा इनकी अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी इनके विरुद्ध है। और लक्की शाह बंजारा हाल में टाइम टू टाइम शादियां होती हैं, कीर्तन समागम होते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती। ये सिर्फ इनका पैसे इकट्ठा करने का एक साधन है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि बाला साहब जो गुरुद्वारे में उन्होंने एक अस्पताल बनाया था, और बाबा जी हमारे हरवंत सिंह जी जो चले गए हैं, उनकी लास्ट तक यही तड़फ रही कि हमारी संतों के लिए वो अस्पताल। मैं पूछना चाहता हूं कि आज वो अस्पताल एक खंडर में तब्दील हो गया, अभी तक इनसे वो अस्पताल नहीं चल सका। उसके लिए इन्होंने 4 लोगों से कॉन्टैक्ट किया था, हमारी नॉलेज में है, मैक्स हॉस्पिटल, एस्कॉट, फोर्टिस और मणिपाल को। तीनों ने स्ट्रेट फॉरवर्ड, मेरे उनके डायरेक्टर दोस्त हैं, उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर दिया कि ये अंडर द टेबल पैसा मांग रहे थे। They refused to give it. उसके बाद मणिपाल ग्रुप से इन्होंने करोड़ों रुपया लिया, आज तक उसका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जब RTI लगाई जाती है, इनके पास कोई जवाब नहीं है। RTI लगाने वाले के खिलाफ ये लड़ाई लड़ते हैं, और मेरे पास प्रूफ है, आपको लगा के दिए हैं कि ये जुर्माना देने के लिए तैयार हैं और जुर्माना दे रहे हैं, और इनके प्रधान साहब के खिलाफ समन भी निकले हैं, और अगर नहीं जाएंगे तो हो सकता है कानून के हिसाब से इनके वारंट भी निकलेंगे। ये शोभा नहीं देता। एक इतनी बड़ी संस्था, धार्मिक संस्था का प्रधान हो और कोर्टों में जाए, क्यों जा रहे हैं, क्या बात है? ये सब संगत को जानकारी हो चुकी है। और सबसे जो एक गलत बात हो रही है कि ये प्रेसिडेंट जो थे फरवरी 2011 तक थे, इनके अधिकार में नहीं आता कि इतने करोड़ों रुपए का बजट के लिए कोई भी ऐसा काम करें बिना संगत के, बिना जनरल हाउस के, बिना एग्जीक्यूटिव कमेटी के। इनको किसी की सपोर्ट नहीं, सिर्फ 2 भाइयों को एक दूसरे की सपोर्ट है, और जो गलत मेंबर है इनके साथ भ्रष्टाचार में शामिल है उनकी सपोर्ट है। एक भी प्रोजेक्ट 10 सालों में उन्होंने कामयाब नहीं किया, पीछे सोने का चक्कर चला। मैं पूछना चाहता हूं कि जो पालकी उन्होंने बनाई थी, आप सब लोगों को मालूम होगा, एक सोने की पालकी बनी थी, आज तक उस पालकी का पता ही नहीं कि वो कहां गई। हाँ, एक रिपोर्ट जरूर आई थी। पाकिस्तान सरकार ने सर्टिफिकेट दिया है कि जितना ये सोना कह रहे हैं उसके लगा, उतना सोना नहीं लगा। और सबसे जुल्म की बात जो है, अभी जो कर रहे हैं हमारे प्रधान साहब, देश विदेश हर महीने जा रहे हैं और कर क्या रहे हैं, पार्किंग के नाम के ऊपर पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, कोई रसीद नहीं है उसकी। वक्त आने पर सबको बताया जाएगा कहां कहां से इन्होंने कितना पैसा इकट्ठा किया, और यही कह रहे हैं कि हमने पार्किंग बनानी है। जैसे पीछे सोने का
इतना सोना इकट्ठा किया, कोई अकाउंट ही नहीं है कि कितना सोना आ रहा क्या हाल है। ये तो शुक्र करो तब हमारे बाबा हरमन सिंह जी थे, अब हमें नहीं पता आने वाले टाइम में कौन से प्रोजेक्ट में क्या होगा। बाबा जी के नाम के ऊपर संगत अपनी जान देने के लिए तैयार है क्योंकि उन्होंने कुछ कर दिखाया है। इन्होंने आज तक सिख संगत के लिए कुछ नहीं किया, हाँ इतना जरूर किया हमारे जो रिजल्ट है स्कूलों के वो बिल्कुल खराब जा रहे हैं, स्कूल बंद होने के कगार पे हैं, 3 स्कूलों को नोटिस आ गए हैं, हमने सारा डिटेल में लिख दिया और काफी स्कूल जो है वो कैंसिल हो चुके हैं और ये संगत को बता नहीं रहे। अभी हमारे पास इतनी शिकायतें इनकी आ रही हैं, लोगों की फीस इतनी बढ़ा दी गई है और जो सेकंड पे कमीशन है इन्होंने अभी तक लागू नहीं किया, सैलरी नहीं है और ये पार्किंग लगाने की सोच रहे हैं। इतना पैसा इकट्ठा हो रहा है जो संगत का पैसा है, 2-2 रुपए, कई बार हम प्रेस कॉन्फ्रेंसों में कह चुके हैं, इनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कम से कम एक अकाउंट तो देना चाहिए इनको। हमने किसी चीज के खिलाफ कोई ना करें, कोई संगत के लिए कोई भी काम करे किसी भी पार्टी का हो हम उसको अप्रिशिएट करेंगे, पर वो नजर आना चाहिए कि क्या कर रहे हैं। आज सारे स्कूल के रिजल्ट डाउन जा रहे हैं, किसी भी जगह कोई संगत के लोग खुश नहीं है, वो रो रहे हैं कि हमारी फीसें इतनी बढ़ा दी गई हैं और एक एक पब्लिशर से इन्होंने 50-50 लाख, एक एक मेंबर ने, वक्त आने पे वो भी नाम बताया जाएगा, इनके अपने ये भी बीच में शामिल हैं, पब्लिशरों से पैसा ले रहे हैं बुक्स के लिए और कोई इनको देख नहीं रहा क्योंकि इन्होंने तो यही सोचा था कि हमारे सामने जो पार्टी है वो शायद आएगी नहीं, तो कोई और पार्टी है नहीं है, हम तो संगत की पार्टी हैं, घर घर जाएंगे संगत को बताएंगे कि ये क्या कर रहे हैं और काफी कुछ तो संगत को पता लग चुका है। आज तक जितने भी इन्होंने प्रोजेक्ट किए हैं कोई भी किसी भी प्रोजेक्ट में कामयाब नहीं हुए, क्यों? क्योंकि ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, चाहे वो गुरुद्वारे के इलेक्शन हो, चाहे वो किसी क्लब के हो, बाद में कहते हैं कि हमारा क्लब के साथ कोई लेना देना नहीं है, जबकि उनके कर्ता धर्ता पाली सरना जी है, वो अब हार गए हैं, वहां से हटा दिया गया है। अगर उनका लेना देना नहीं है तो उनके क्यों वो उत्तराधिकारी बने हुए थे, क्यों इलेक्शन में सारा दिन खड़े रहे, लोगों के घर जाते रहे, सिक्खी के नाम पे वोटें डालते रहे, ऐसा इनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो भी प्रोजेक्ट लगा रहे हैं वो गलत है, हम प्रधानमंत्री को यही अपील करते हैं कि उनको इन भ्रष्टाचारी भाइयों का साथ नहीं देना चाहिए और संगत बहुत नाराज होगी और कोई भी ऐसा काम ना करें जिसमें किसी भी बात का किंतु परंतु हो। बाकी इन्होंने जो मणिपाल ग्रुप से पैसा लिया है वो भी कोर्ट में केस चल रहा है, RTI के भी कोर्ट में केस चल रहे हैं और इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है अपने हिसाब से, संगत के हिसाब से नहीं, कि इन्होंने बड़े बड़े वकील हायर किए हैं, करोड़ों रुपया उनका जा रहा है, कि करोड़ों रुपया देने के लिए तैयार हैं और एक RTI का जवाब नहीं दे सकते, जो 10 रुपए की RTI लगती है उसका जवाब दे देना, उसके लिए करोड़ों रुपया देने के लिए तैयार है। कोई भी किसी भी जगह पे किसी को टीचर को किसी को रखना हो, इतनी करप्ट ये कमेटी हो चुकी है, बिना पैसे के एक फाइल आगे नहीं जाती, किसी ने भी कोई काम कराना हो वो फाइल आगे नहीं जाएगी और हंसी मजाक किया जाता है कमेटी में। ऐसी धार्मिक संस्थाओं में ये चीज नहीं चलेगी,